सुगहा भवानीपुर में अभी हम मौजूद हैं और चलिए ये चाची बाड़ी इनके चाची के घर में लगातार आग लाग रहा बा। आज 5 से 6 बार आज तक अभी आज आग लागल बा। आग लग गई, आग लग गया, चलिए आग लग गया, चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए आग लगा, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी फेंको, पानी फेंको, पानी फेंको, पानी फेंको, बाल्टी में भरकर दिखाओ बाबू, दिखाओ। देखिए बाल्टी हर दम लोग तैयार रहते हैं, बाल्टी में पानी भर कर ऊपर दिखाइए। अरे देखिए हर दम हर वक्त लोग पानी भर कर तैयार हैं कि कब आग पकड़ लेगा और कब हम लोग बुताने लगे। तो सुगहा भवानीपुर में अभी हम मौजूद हैं और चलिए यह चाची बाड़ी इनके चाची के घर में लगातार आग लाग रहा बा। आज 5 से 6 बार आज तक अभी आज आग लागल बा। आग लग गई, आग लग गया, चलिए आग लग गया, चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए आग लग गया, पानी पिलाओ, पानी फेंको, पानी फेंको, पानी फेंको, पानी फेंको, पानी फेंको, और फेंको, फेंको पानी, पानी फेंको, पानी फेंको, ऊपर 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 फेंको, ऊपर 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 फेंक, ऊपर हुआ हुआ ऊपर हुआ, ऊपर बचाओ, 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 बचाओ। हाँ चलिए भाई देखिए, देख सकते हैं, देखिए आगा आएंगे लगातार रोज यहींगे होता थे तो पानी ठीक से मारो, ठीक से पानी मारो। देखिए देखिए बाबू इधर आ, देखिए देख सकते हैं किस तरह से आग पकड़ रहा है। रिपोर्टिंग के दौरान देखिए अभी भी यहाँ से पानी गिर रहा है। रिपोर्टिंग के दौरान बाबू दिखाओ इधर, रिपोर्टिंग के दौरान भी यहाँ आग पकड़ लिया मेरे आँख के सामने। चलिए आप लोग शेयर कीजिए दबाकर ताकि इन गरीब लोगों को मुआवजा मिल सके। यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाए। देखिए अभी भी 2 लड़का ऊपर चढ़ करके आग बुता रहा है। तो चलिए आप क्या सोचते हैं हकीकत में क्या है, क्या या ऐसा होता है? और ओझा लोग देखिए, ओझा लोग चलिए आइए दिखाते हैं, दिखाइए ये ओझा लोगों का करतूत है। देखिए 20,000, 15,000, 10,000 रुपया ले रहे हैं मौलवी लोग, ओझा लोग, बाबा लोग, और बांध छान करते हैं लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़ा है इससे। रात में सोना मुश्किल हो गया है, ना लोग बाहर जा रहा है कमाने और ना ही इन लोगों के पास अब पैसा है खाने के लिए। चूल्हा में देखिए, चूल्हा चूल्हा दिखाइए, देखिए चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ, खाना नहीं बन रहा है इन लोगों के घर में। खाता नहीं, उतना खाए के लिए शक्ति नहीं है, उतना आगे आप रुपये धो लेता। चलिए क्या लागत है भगवान के घर में ताकि नहीं पकड़ता। हाँ पकड़ लेता, देखने भर कितना अपने 2-3 में होकर वाले पर आगे धो लेते हैं, यहाँ बुताज ऊपर धो लेता है, कितना में होता है यही हो जाता है, यही तिले तिले लाग जाता है, तिले तिले लाग लेके मुझाओ तारा सना तिले तिले लाग जाता है आगे, यही भर दिन में 50 बार लागत आते आगे, हमने के दासा हो गल बार दौड़ दौड़ आवत आनी सन, दौड़ दौड़ मुझाओ तानी सन। क्या अपील कीजिएगा सरकार से? देखिए सरकार तब कुछ मैनेजमेंट देना चाहिए ना सरकार के, सब गरीब आदमी है, रोड पे है, लोग बहुत दिक्कत हो रहे हैं, बिना खैले सुत रहे हैं, क्या कहिएगा? घर के अंदर को सामान नहीं, सब नहीं कुछ नहीं है सामान घर पे, देखिए चलिए फिर से हम दिखाएंगे आपको, आइए घर के अंदर चलते हैं। चलो बाबू घर के अंदर दिखाएंगे, घर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए घर पूरा खाली है, यहाँ पे चौकी तो है लेकिन बिस्तर नहीं है, क्योंकि जैसे ही इस पर कपड़ा रखेगा लोग आग पकड़ लेगा। चलिए पेटी के अंदर आग लग रहा है, देखिए पानी कैसे रखा गया है बाल्टी में भरकर, दिखाओ बाबू दिखाओ। देखिए बाल्टी हर दम लोग तैयार रहते हैं, बाल्टी में पानी भरकर ऊपर दिखाइए। अरे देखिए हर दम हर वक्त लोग पानी भरकर तैयार हैं कि कब आग पकड़ लेगा और कब हम लोग बुताने लगेंगे। चलिए भैया क्या हो रहा है इस सब आपके गाँव में? ये तो 2 महीने से आग लग रहा है, बार बार दिन में 2 बार 4 बार अभी अभी रिपोर्टिंग के दौरान आग लगा था, अभी लगा था रहा है। मैंने आग के सामने इन लोग का कोई मान कर चले कि इन लोग का सहारा भी कोई नहीं है। अपने द्वार पर भी जैसे मानते हैं कि अगर कहीं हम जाते हैं किसी के दरवाजा पर खड़ा होने के लिए तो कोई खड़ा भी नहीं होने देता है, क्योंकि उछाड़ हमारे घर पर भी आएगा। ठीक है, हाँ ये लोग जो जितना भी सामान है, ये नहर का जो पेटी है उसी में ये लोग अपना रखा हुआ था। चलिए चलिए उसको दिखाएंगे, नहर पर चलिए, नहर की देखिए चाचा पानी पानी ढोने में तैयार तबाह पानी कि कब आग पकड़ ली कौन ठीक नहीं क्या। चलिए चल के आगे चल के चल के देखिए घर अच्छा ईत, भैया देखिए घर अच्छा ईत, घर के बाहर ऐसा सामान चौकल बा, देख तीन केंगे लोग जिंदगी जी रहा बा, कितना कठिनाई से लोग जिंदगी जी रहा बा, बाइक बाहर, कपड़ा बाहर, लुगा कपड़ा है, देख तीन पेटा पेटी तो रही सारा बाहर बा, केंगे जिंदगी बहुत ही दास सनिया है, रोड पर सुता तानी सन है, पर रहता नहीं सन, हमने के लड़का से गया
सब तरह से दास है तो बारिश होके लागत तो है पाल ओठ ओठ के ओढ़ के एई में गोटिया गोटिया बढ़ जाता लो पाल ओढ़ के बढ़ जाता टेलो लइका सब घुरिया के लेके बढ़ जाता टेलो कहां जाओ लो केकरे घर में जाओ लो सारा कपड़ा लता हो जरल बाटे आई देख आई देख आई कपड़ा आई कपड़ा पेटी में धर रखो देख आई पेटी के अंदर आई कपड़ा रखो फिर भी यहां देख आई पेटी के अंदर ही कपड़ा धर रहे आई एमे आग लाग गइल बा देखिए बताइए हमारा आँख के सामने हम तो खुद देखनी हो तीन बेर हो गई तीन बेर धल रखो गए पहले चार बेर हो गई एक बार सब ठेक करेंगे पांचों में छो में पुक जाए लोग धौर रहा तो बुतावे हैं नी को अगल बगल में को हमनी को कहीं नहीं किसे जा जे जर जाई घर हमनी के जर जाई एमे लागी तो वो पहुंचतो का वो पहुंचतो का बगल बानी सो हमनी के सब आदमी है टोला परोसा के सब कोई ब्याह कलवा एला चलिए आपको क्या लगता है अगर आपके पास इस तंत्र मंत्र को करने वाला कोई हो पहले पैसा हम लोग नहीं देंगे भाई पहले आप आकर बनवारी कीजिए सही कीजिए और एक महीना हम लोग देखेंगे कि आग वो नहीं पकड़ रहा है उसके बाद आपको जो कहिएगा उतना पैसा दिया जाएगा अगर ये लोग ना दी तो हम दें अगर ये लोग नहीं दे पैसा तो हम दें पैसा लेकिन आग ना लगी तो केकरा केकरा घर में आग पकड़ तुम बताइए पांचू यही लोग का पांचू पलवार के इंद्रे बेटा हलो दिल कुमार हलो रजेश हलो हाँ रजेश दिल कुमार मुकेश रमेश आ दुखी मुखिया चलिए हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे सीओ बीडीओ यहाँ के मुखिया से भी अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए कम से कम राहत भी दिया जाए खाना बनाने के लिए राशन दिया जाए और पाल का तंबू दिया जाए जिसमें लोग रहे क्योंकि घर के अंदर ये लोग नहीं रह रहा है लोग पूरा घर खाली है। तो चलिए आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा खबर आरपा। जय हिंद।